हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी हमारे पास ये है बोया का MM1 शॉर्ट गन माइक, जो स्पेशली फॉर डिज़ाइन किया गया है हम जैसे ब्लॉगर के लिए। तो इसका हम आज डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं और कैसे ये वर्क करता है। और इसमें लास्ट तक देखिए, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे, जिसमें ये बहुत लोग का कमेंट होता है कि सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं आज जुगाड़ निकाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, ये आता है माइक एक शॉर्ट, ये कुछ माइक है। और इसके साथ एक आता है ये बेसिकली मोबाइल के लिए है, कनेक्ट करने के लिए। और ये है कैमरास कनेक्ट करने के लिए। और एक आता है ये माउंट, जो ये यहाँ लग जाएगा कुछ इस टाइप से। और ये है जो जैक है, इस वाले जैक में कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाला हमारा मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा और काफ़ी स्मूथ है। तो अब इसको हम चेक करने वाले हैं कैसे ये वर्क कर रहा है और कैसे कर रहा है, जिसको हम सीधा हम इसको अपने ट्राइपॉड पर माउंट करते हैं और दिखाते हैं कैसे ये माउंट करना है। तो ये मेरे पास ये ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड के ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए जो दिख पा रहा है, ये कुछ इस टाइप का। तो आप ये वाला जो एंगल को देख रहे हैं, ये क्लैंप को देख रहे हैं, तो ये वाला जाके क्लैंप इसमें फंस जाएगा, देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और आपका जो ये वाला जैक है, कनेक्ट करना है इसके पीछे इसमें, और ये वाला आपका पोर्शन चल जाएगा मोबाइल में। तो ये अपना पूरा सेटअप तैयार हो गया है, ब्लॉगिंग किट। तो गाइस, ये अपना प्रॉपर तैयार हो गया है, कुछ इसी टाइप का सेटिंग होने वाला है। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए, तभी ये माउंट लगने वाला है, अदरवाइज ये नहीं लगने वाला है। तो काफ़ी क्यूट लग रही है। अरे भाई, गुस्सा क्यों है यार अभी। तो इसको अभी टाइट करना होगा। अभी टाइट करके मैं इसी से रिकॉर्ड करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कैसा ही है वो वॉइस क्लियरिटी आ रहा है। और सही बताया तो आवाज़ में चार चांद लगने वाला है, जो साइड से विंड नॉइस वगैरह जो भी बाहर का आवाज़ आता है अब वो शायद नहीं आएगा। तो अभी देखते हैं, अभी फैन भी चल रहा है, एग्जॉस्ट भी चल रहा है, अभी देखते हैं कैसा आवाज़ आता है। तो गाइस, ये प्रॉपर तरीके से जो आवाज़ जा रही है, अभी जो आवाज़ जा रही है इस वाले माइक से जा रही है। अभी फ़िलहाल जो है बोया MM1 का माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं इसको निकाल, तो अभी जो आवाज़ सुन पा रहे हैं ये मोबाइल का इनबिल्ट जो माइक होता है उससे ये रिकॉर्ड हो रहा है फिलहाल। और फिर मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ। तो भाई लग गया, तो ये लग गया अपना, फिर दोबारा से ये लग गया है माइक। तो आप देख पा रहे हैं कैसा ये रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही रिकॉर्ड कर रहा होगा। और आप देख पा रहे हैं कि हाँ, डायरेक्ट मेरा कोई भी एडिशनल एप्लीकेशन नहीं है, सिंपली थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, और जो डिफ़ॉल्टेड इसमें दिया हुआ है मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं इसको बताता हूँ, बहुत लोग को क्वेरी रहती है कि ओपन कैमरा वगैरह मतलब सपोर्ट नहीं करेगा ये माइक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा प्रॉपर तरीके का माइक काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत सेटिंग्स को चेंज करना होगा, बाकी सही है। इसको सेटिंग को देख लीजिए, देख रहे हैं ये अपना डिफॉल्टेड कैमरा है, और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ओपन कैमरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कैमरा को इंस्टॉल करेंगे, और देन हम अब सेटिंग में जाने वाले हैं। तो फिर अपना सेटिंग खोल लेंगे, सेटिंग में आपको दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे सिंगल। फिर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो अदर सेटिंग दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर डिफॉल्ट रिकॉर्डर का ऑप्शन आएगा, यहाँ सिंगल क्लिक। फिर देन यहाँ दो ऑप्शन दिखेगा, ऑटो सेलेक्ट और ऐड ऑन। तो हम सीधा ऐड ऑन कर देंगे, यहाँ से फिर अपना कोई भी एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करना शुरू कर देगा। प्रॉपर ब्लॉगिंग सेटअप बन गया ये। और सही बात, पहले क्या होता था कि अगर माइक नहीं रहती थी तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी, तो इस टाइम पे अभी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता होगा अगर माइक को हम इधर साइड से करते तो ये आवाज़ नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर माइक का कनेक्शन जो है ठीक फेस टू फेस होना चाहिए, ये माइक और ये सुनना चाहिए इसको भाई, तो इस टाइप से होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ये आप सोचोगे कि कहीं दूर हूँ और माइक रिकॉर्ड कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप 1 या 1.5 फीट 2 फीट की दूरी पर हों तभी ये प्रॉपर तरीके का आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये माइक को कब से मैं देख रहा था, आई कॉन्टेक्ट मेरा ख़त्म हो गया था, कब से पता नहीं क्यों माइक से ही मैं बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा है तो दिक्कत हो रहा था।
तो यही था आज का वीडियो, और हमारी एक ट्रिप शुरू होने वाली है, तो बाय द वे उसी के लिए सारा गैजेट हम ले रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ट्रिप। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे का ट्रिप देखने के लिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जो भी है दुनिया भर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग।